Okay, students, so we are continue from page number 101, seeing new things. In previous class, we have discussed about that this is the chapter of basically after partition in the year 1947. Okay, written by Chetandar. This is a story of his experience. Okay, it's based on his experience. What he saw in his life, all these changes. Okay. Okay. So first, उसने बताया कि हमने after partition कैसा time था, हम कैसे रहते थे, हमको partition के समय हमको अपना अपनी जगह छोड़ के इंडिया आना पड़ा. जहाँ कहाँ रहते थे वो? Tell me. डेरा गाजी खान एक जगह है पाकिस्तान में, इस समय भी है वो. फिर वो पार्टीशन जब हुआ तो क्या था कि जो हिस्सा पाकिस्तान को दिया गया था उधर के लोगों को, इधर के लोगों को वहां भेजा गया और जो वहां लोग रह रहे थे उनको इस एरिया में भेजा गया. ठीक है, तो उधर से इनको यहाँ भेजा गया और जब वो आए तो हमारे देश में अब देश के दो टुकड़े हो गए थे, इंडिया एंड पाकिस्तान हो गए थे. तो फिर वो क्या कहलाए, हमने क्या बताया था, जब वो हमारी कंट्री में आए तो क्या कहलाए? रिफ्यूजी. वेरी गुड. रिफ्यूजी मीन्स शरणार्थी, यानी कि उन्होंने हमारे देश में फिर शरण ली. ठीक है, क्योंकि वो फिर जब उनका ये कंफर्म हो गया कि वो हमारे ही देश के हैं, फिर उनको बाद में एक जगह दी गई कि अब आप एक गाँव दिया गया कि अब आप यहाँ पर अपना घर बना सकते हैं, यहाँ सेटल हो सकते हैं. तब उन्होंने कौन सा घर बनाया, किस तरह का मटेरियल था? मड, मिट्टी. वेरी गुड. फिर कुछ समय बीता, फिर उन्होंने किस तरह से चेंजेस आए उनकी लाइफ में, फिर वो अनबेक्ड ईट उन्होंने, फिर अनबेक्ड ईट, बिल्कुल अनबेक्ड ईट से उन्होंने अपना घर बनाया. ठीक है, जैसे जैसे उनकी फैमिली बढ़ती गई, उन्होंने उनके घर में वन वन रूम चेंज होता गया, फिर उन्होंने अनबेक ब्रिक्स का यूज किया. ठीक है, फिर और चेंज आया और फिर वो उनके बच्चे बड़े हुए, उनकी शादी हुई, फिर उनके घर में कैसे चेंज आया, क्या हुआ, उन्होंने घर एक अपना बेक ब्रिक्स का, और जो टॉयलेट पहले क्या होता था बाहर जाते थे, फिर क्या हुआ वो घर में उन्होंने पाइपलाइन वगैरह बनवाई, टॉयलेट वगैरह की, सीमेंट वगैरह की, तो उन्होंने अपना. और फिर और चेंज आया तो उनके घर में क्या हुआ, टाइल्स वगैरह लगे, ये भी उन्होंने देखा. तो अब फ्रॉम दिस पेज वी विल स्टार्ट सीइंग न्यू थिंग्स. अब उन्होंने क्या चेंज और बता रहे हैं, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि अब उन्होंने क्या चेंज देखा. माय यंगर सन वांट टू मूव टू दिल्ली व्हेन ही गॉट अ जॉब देयर. उनका जो छोटा बेटा था तो वो जॉब के लिए कहाँ गया, दिल्ली. ठीक है, नाउ ही स्टेज देयर विथ हिज फैमिली. अब वो वहां पर रहने लगा अपनी फैमिली के साथ. सुमन एंड आई स्टेड विद मोंटू फॉर सम मंथ्स इन अ ईयर एंड राजू इन सोहना फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ्स. आधे टाइम वो अपने एक बेटे के पास रहते थे और सोहना विलेज में, और आधे टाइम वो अपने दूसरे बेटे दिल्ली में रहते थे. वी गो On the way to Delhi from Sohna, we go through Gurugram. So many big high-rise buildings have come up there. So, अब उन्होंने अब भी देखो कितना changes आ गया. पहले वो लोग चलते थे, तो उस समय जो vehicles होते थे बैलगाड़ी वगैरह का use करते थे. ठीक है, धीरे धीरे समय बदला, buses आई. ठीक है, और चेंज आया, ट्रेन आई, ट्रेन में भी फैसिलिटीज. पहले की जो ट्रेन थी जो 1947 की ट्रेन थी बहुत स्लो स्लो चलती थी, उस समय के व्हीकल्स बहुत स्लो स्लो स्पीड के चलते थे, ट्रक होते थे, बसेस होती थी, बहुत स्लो स्लो वाली स्पीड होती थी. फिर हाई टेक्नोलॉजी आई, फिर लंबी लंबी वो लोग बिल्डिंग में डेवलप हुआ, बिल्डिंग्स वगैरह होने लगी, रोड्स वगैरह बन गए, है ना, इस तरह से चेंजेस उन्होंने देखे. वो बता रहे हैं कि जब वो गुरुग्राम, जब वो दिल्ली फ्रॉम सोहना जाते थे, सोहना से दिल्ली जाते थे, तब वो गुरुग्राम के बीच में पड़ता था, जो कि इस समय पहले क्या था, वो गुड़गांव नाम था उसका, जो अब गुरुग्राम के नाम से जाने लगे हैं. तो अब वहां पर बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन गई हैं,
कई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गई है। A few years ago, Raju renovated the toilet and the bathroom. Raju जो उनका बेटा था, उन्होंने अब क्या करवाया? अपने बाथरूम को रेनोवेट करवाया, मतलब खुलवा के नया तरीके से बनवाना, ठीक है? रेनोवेट करना, जैसे अब हमें इसको मुंह को हमें रेनोवेट करना है, कुछ खराब हो जाता है, मेंटेनेंस करवाना है, तो जैसे कोई चीज खराब हो रही है तो उसको अब हम सोचेंगे कि अब हम इसको रूम को थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो उसको फिर से हम खुलवा के रेनोवेट करवाएंगे, नए तरीके से बनवाना। He used colored tiles in the bathroom. In his bathroom, imagine spending so much money for a place to have a bath. वो बता रहे हैं क्योंकि वो तो उन्होंने वो समय देखा है जब लोग फील्ड में जाया करते थे टॉयलेट वगैरह, है ना? अब वो बोल रहे हैं कि ये समय में राजू जो उनका बेटा है उसने क्या किया है, अपने बाथरूम को रिनोवेट करवाया और कलरफुल टाइल्स लगाए हैं, और वो कह रहे हैं कि इतना पैसा, अब हम इमेजिन कर रहे हैं कि सिर्फ इतना सा पैसा, इतना सारा पैसा हम एक जगह जहाँ नहाने के लिए जाते हैं वहां के लिए हम यूज कर रहे हैं, इतना सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है? तो उनके लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। आई एम नाउ 70 इयर्स ओल्ड। इन ऑल दीज इयर्स आई हैव सीन सो मेनी चेंजेस। अब वो बता रहे हैं कि अब वो इतना जो समय है वो 70 इयर्स ओल्ड है, यानी कि वो 70 साल हो गए हैं। I have seen so many changes even in my own house. उन्होंने इतने सालों में बहुत सारे changes देखे, और सबसे ज्यादा वो बोल रहे हैं कि बल्कि हमने अपने ही घर में, स्वयं के घर में ही हमने changes देखे। I don't know where my grandchildren will want to live and how their house will be. वो कह रहे हैं कि अब मुझे ये नहीं पता है, अभी तो वो अपने चिल्ड्रन के लिए बता रहे हैं, उनके बेटों के लिए बता रहे हैं, उनके बच्चों के लिए बता रहे हैं कि ये उनके साथ समय के साथ ये परिवर्तन हुए। अब वो ये नहीं जानते कि अब उनके नेक्स्ट ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, है ना, बच्चों के बच्चे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, वो कैसे रहेंगे, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी होगी, कितना चेंजेस उनकी लाइफ में आ जाएगा, वो किस तरह के घर में रहना पसंद करेंगे, है ना? जैसे हम लोग अब क्या है, हम लोग आपको बता रहे थे कि हम लोग के टाइम में कंप्यूटर आया, ठीक है? हमारे टाइम में कंप्यूटर, हमारी एजुकेशन में कंप्यूटर नहीं था, हमारे टाइम में कंप्यूटर आया, हम लोग उसको सीखा कैसे उसका यूज करना है किस तरह से, तो हम लोग अभी भी इसको सीख रहे हैं। आप लोग के टाइम में कंप्यूटर आ चुका है, आप लोग एक अलग से क्लासेस लेते हैं कंप्यूटर की, पूरा स्टार्टिंग से पहले से ही आप बेस सीखने लगेंगे कंप्यूटर से कैसे स्टार्ट होता है, ठीक है? आपको हमसे ज्यादा नॉलेज है कंप्यूटर के बारे में, आपकी एज में हमारे पास कंप्यूटर नहीं था, हमारे जो मोबाइल है आज भी हम लोग कई जगह रुक जाते हैं अपना फंक्शनिंग में, आप लोग उसको तुरंत सॉल्व कर देते हो ना, आपके पेरेंट्स आपसे हेल्प लेते हैं ना, ये देख लो ये क्या हो गया है इसको देख लो, है ना, ऐसा कुछ होता है ना, तो ये आज आपके पेरेंट्स आपसे सीखते हैं, क्यों? क्योंकि आप इस इरा में आए हैं जहाँ पर कंप्यूटर ऑलरेडी, हाँ, अब वो वही बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट, जैसे अब आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारी मूवीज आती हैं, स्पेशली हॉलीवुड मूवीज में कितनी हाई टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, वो लोग इमेजिन करते हैं कि कोई चीज उड़ती हुई है, गाड़ियां उड़ रही है, है ना, फोर व्हीलर उड़ रही है, ट्रेन उड़ रही है, और एरोप्लेन नहीं है, बहुत बड़े बड़े स्पेस शटल टाइप के वहां पर इस तरह से इमेजिन करते हैं ना, तो जो साइंटिस्ट है वो उस पर भी वर्क करते हैं। अब क्या हो गया है, जैसे हमारी जनरेशन, आप लोग का चांद में घर लेने की सोच रहे हैं, वहाँ प्लॉटिंग हो रही है, हो रहा है, yes, वहां पर भी लोगों ने जमीनें खरीद ली है, yes, यानी कि आपकी आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, हो सकता है अर्थ में नहीं, हम लोग सोचते कंट्री टू कंट्री घूमते हैं, हो सकता है आपकी नेक्स्ट जो जनरेशन आने वाली है, जो क्या डिजिटल लाइफ होगी उन लोगों की, हो सकता है कि वो लोग चांद में किसी प्लैनेट में रह रहे हो, आज प्लैनेट की सर्च हो रही है ना कि कहाँ पर लाइफ है, सर्च कर रहे हैं हमारे साइंटिस्ट, मार्स में जा रहे हैं, चांद में देख रहे हैं कहाँ पर जीवन है, वो लोग कितना सर्च कर रहे हैं, यानी कि आने वाली जो हम लोग की जनरेशन है, आपके आने वाली जनरेशन है, वो मे भी हो सकता है चांद में रहे, मार्स में रहे, है ना, कितना सारा चेंजेस आएगा हम लोग सोच सकते हैं आने वाले कई हजार साल बाद, ये भी जनरेशन, ये मतलब खत्म हो जाएगा, ये लोग सोचेंगे, उस समय के लोग सोचेंगे कैसे लोग रहते थे,
जैसे अभी हम लोग सोचते हैं आज से हम लोग 70-80 साल पहले जो लोग पार्टीशन में आपकी एज थोड़ी बता रहा है, तो हम लोग ये सोचते हैं ना कैसे लोग रहते होंगे। ऐसे हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, आपकी नेक्स्ट जो जनरेशन, आपकी नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, तो यानी कि हम लोग होंगे नहीं कि लोग कैसे लाइफ जी रहे होंगे, बल्कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत हाई लेवल लाइफ में है, हाई सोसाइटी में है, हाई लेवल लाइफ जी रहे, स्टैंडर्ड लाइफ जी रहे, जो कि हम लोग को लगता है। लेकिन जो हमारी जनरेशन अब चेंजेस जो एक है ना, चेंजिंग टाइम, तो हम भी वो भी यही कह रहे हैं कि अब हमारी इतने में अगर हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन अब इतनी लाइफ कैसे, वो लोग किस तरह का घर पसंद करेंगे। हो सकता है आप लोग इस तरह के घर पसंद ही ना करें, हो सकता है कि आप लोग की लाइफ में बहुत सारे तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, जैसे आप लोग सीसी कैमरे हैं सबके घर में। अब बहुत लोग अपने घरों में जो पेरेंट्स जॉब करते हैं, मदर एंड फादर, इनके दोनों बड़ी बड़ी सिटीज में, अभी इधर पे काम है, अपने टाउन सिट में अभी थोड़ा काम है, लेकिन जो सिटीज वगैरह है, दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, ये सब जो सिटीज है, वहां पर घर में लोग अपना सीसी कैमरे लगाए हुए हैं। पहले के जो सीसीटीवी कैमरे होते थे उनको चेक किया जाता था कि ये वाले दिन को हम लोग चेक कर लें, या पूरा पेरेंट्स आके चेक करते थे कि आज हमारे बच्चों ने क्या किया, जो घर में मेड के ऊपर छोड़ देते हैं पेरेंट्स, केयर टेकर के ऊपर छोड़ देते हैं, या जिनके बच्चे घर में रहते हैं उनके लिए। अब क्या है, सीसीटीवी कैमरा मोबाइल से अटैच है, तो अब आप घर में आप जॉब कर रहे हैं, घर में बच्चों को देख सकते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, तो आप वहीं से उनको मतलब उनको बोल सकते हैं डोंट डू दिस, इट्स हार्म फॉर यू, ऐसे बोल सकते हैं ना। बच्चा जानता है कि हमारी नजर, हमारी ऊपर नजर रखी जा रही है, हमारे पेरेंट्स हमको देख रहे हैं, वो वहीं से ही उनसे कांटेक्ट करते हैं, बात भी कर सकते हैं, उनको वहां से टोक सकते हैं। तो ये एक हाई स्टैंडर्ड हो गया। अब आपकी जनरेशन इसको और कैसे नए तरीके से ले आएगी, है ना। हो सकता है कि आपकी आने वाली जनरेशन, जैसे हम लोग मूवीज वगैरह में देखते हैं कि ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं, हाँ से क्लास में, हो सकता है कि बुक्स वगैरह नहीं रहे और सिर्फ आप लोग डिजिटल एजुकेशन आपके आने वाली जनरेशन की, वो सीधे बैठे और अपनी ही डेस्क के ऊपर टिक 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 पासवर्ड रहे आपकी डेस्क का, और उन्होंने अपना पासवर्ड ओपन किया और सब चीज ऐसे ऐसे चल रही है। आपकी आने वाली जनरेशन इस तरह से पढ़ाई ले सकती है, एजुकेशन ले सकती है। बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हम लोग अभी देखते हैं गाड़ियां उड़ रही हैं, तो वर्क हो रहा है उसमें, वर्क लोग कर रहे हैं कि बाकी ऐसा हो, है ना। जापान जो है वो हाई टेक्नोलॉजी है, सबसे ज्यादा जो जिनके पास हाई टेक्नोलॉजी है, बुलेट ट्रेन उन्हीं के यहाँ से आई है, बुलेट ट्रेन यानी कि सबसे तेज, अभी भी वो लोग कोशिश करते हैं कि इससे भी फास्टेस्ट ट्रेन बनाए, दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन कहाँ पर है, जापान वगैरह में ही चलती है बुलेट ट्रेन, हमारे इंडिया में अब आ रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, तो धीरे धीरे हमारा इंडिया भी डेवलप कर रहा है। हमारी जनरेशन और जब आएगी तो और ज्यादा कितना जनरेशन हम लोग का डेवलप करेगा, ये हम लोग को देखना है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो टाइम चेंजिंग है, हम लोग इसमें वो बता रहे हैं कि हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन जो आएंगे वो किस तरह से अपनी लाइफ जिएंगे, उनके घर कैसे होंगे, और वो सोचते भी हैं कि जहाँ वो रहते थे पाकिस्तान वाले पार्ट में, जहाँ वो डेरा गाजी खान में रहते थे, अब वहां पर कैसे होंगे, उनके फ्रेंड्स कैसे होंगे, उनके फ्रेंड क्या कर रहे होंगे, कैसे रहते होंगे, वो उनको भी याद कर रहे हैं। व्हाट मटेरियल हैव बीन यूज्ड इन मेकिंग योर हाउस, अब आपके घर में जो मटेरियल यूज हो रहा है, आपका घर बनता है, तो आपको क्या क्या मटेरियल होता है, तो मोस्टली आप क्या आंसर देंगे, और कंक्रीट, ठीक है। इस तरह से आपके आप सैंड, बिना सैंड के कैसे बनेगा, सैंड और सीमेंट को मिक्स करते हैं ना, तब जाके वो बॉल में बनता चला जाता है। फिर नेक्स्ट है, फाइंड आउट द मटेरियल फ्रॉम विच योर फ्रेंड्स हाउस इज मेड, इज देयर एनी डिफरेंसेस राइट अबाउट इट। अब यहाँ पर बना तो घर सबका मटेरियल एक ही सेम यूज है, आपके तो आपके फ्रेंड का, लेकिन डिफरेंसेस उन्होंने पूछे, तो डिफरेंसेस हम ये बता सकते हैं कि मे बी आपके घर में टाइल्स लगाओ, आपके फ्रेंड में टाइल्स नहीं लगाओ, फ्रेंड के घर में, या उनके घर में टाइल्स लगाओ, आपके यहाँ टाइल्स नहीं लगाओ, तो समथिंग ये डिफरेंसेस हम लोग इस तरह से बता सकते हैं, है ना। व्हाट काइंड ऑफ हाउस डू यू थिंक चेतन दास ग्रैंडचिल्ड्रन विल बी विल लिव इन, अब वो पूछ रहे हैं कि किस तरह का, इमेजिन करिए कि उनके चिल्ड्रन जो ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे उनका घर किस तरह का होगा,
जहाँ वो किस तरह रहेंगे। तो हमने अभी जो इतना बताया कि आपको हम लोग की जनरेशन जो आएगी कितनी हाई लिविलिटी होगी, है ना, डिजिटलाइज एवरीथिंग इज डिजिटलाइज कंप्यूटराइज, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं आज के टाइम में कि जो आज के बच्चे हैं, आज की जनरेशन है, कंप्यूटराइज है। नेक्स्ट जनरेशन आप लोग की जब आएगी तो आप लोग बोलोगे कि वो पूरी कंप्यूटर है, समझ रहे हो। कंप्यूटराइज मीन्स आप लोग का माइंड बहुत तेज कंप्यूटर जैसे चल रहा है। और आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन, जब आप लोग नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो वो क्या होगा, आप लोग बोलेंगे वो पूरे कंप्यूटर है। ये चेंजेस होते हैं, ठीक है। वेयर वुड यू लाइक टू लीव व्हेन यू ग्रो अप। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आप लोग कहाँ रहना पसंद करेंगे जब आप बड़े हो जाएंगे। व्हाट काइंड ऑफ हाउस वुड यू लाइक, आप कैसे घर में रहना पसंद करेंगे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं वैसे इसका आंसर है, लेकिन आप लोग पहले अपनी एक इमेजिनरी कर रही है, मेरा घर किस तरह से होना चाहिए। आप अपने घर को रखिए और फिर अपने घर की इमेजिनरी करिए, ठीक है। हमारा घर ऐसा है, आप कभी देखिएगा पुरानी पिक्स देखिए आपने, आपके जहाँ ग्रैंड मदर रहते थे वो घर, फिर आपके पेरेंट्स ने घर को चेंज किया जब वो लोग आए, कुछ चेंज हुआ होता है ना, रिनोवेट होता रहता है। जैसे 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 हमारे घर में लोग आते रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग रूम को चेंज कर देते हैं। आप पुरानी पिक्स अपनी उठाइएगा, आप अपने ग्रैंड फादर या ग्रैंड पेरेंट्स की पिक्स देखिएगा, उनके घरों की देखिएगा और फिर आप अपने घर की देखिएगा, कितना सारा चेंजेस आ गया है आप देख सकते हैं। लोग हम लोग के जैसे बताते हैं ना कि पहले यहाँ पर ये हुआ करता था, यहाँ पर आंगन था, अब वहां पर कमरे बन गए हैं, इस तरह से बातें होती है ना। सेम आप लोगों के पास भी ऐसे पिक्चर्स मिल जाएंगी जहाँ पर आपके ग्रैंड पेरेंट्स उस तरह से घर में रहते थे, फिर आपके पेरेंट्स आए तो उन लोगों ने अपने घर को थोड़ा सा चेंज किया, और फिर आप लोग सोचेंगे कि हम क्या चेंज कर सकते हैं, है ना। यू हैड रिटन अबाउट द थिंग्स दैट Your grandparents' house was made of, has some of those material being used in your house, name them. अब जो आपके grandparents पहले किस तरह के घर में रहते थे और वो किस तरह से घर में उनका material used हुआ है कि नहीं, उस तरह का material आपके घर में used हुआ है कि नहीं इस समय भी, तो आप ये अपने उनके उन materials के name लिख सकते हैं। People are given names according to work they do. For example, a person who works with tools with wood is called a carpenter. जो लोग एक जो घर बनता है इसमें कई तरह के लोग वर्क करते हैं, जैसे ये कपड़ा बना आसान हुआ और लेबर हुई, उन्होंने तो अपना काम किया, बिल्डिंग बनाई। फिर इलेक्ट्रिशियन होते हैं, वो इलेक्ट्रिक का वर्क करते हैं। प्लम्बर होते हैं, वो नल की फिटिंग वगैरह करते हैं ना। बहुत सारे लोगों की हेल्प से अगर हमें वुड का काम करवाना है, तो जैसे विंडो है, डोर है, तो कारपेंटर उनको वो बनाते हैं। सबके अपने अपने वर्क होते हैं, बहुत सारे लोग मिलकर एक घर को बनाते हैं, ठीक है। जैसे ए पर्सन हु वर्क्स विद वुड, जो एक लकड़ी का काम करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कारपेंटर, ठीक है। आपके लोकल एरिया में इन्होंने क्वेश्चन किया कि आपके एरिया में क्या बोला जाता है, तो आप उनको आंसर कर सकते हो, स्लाइड में लिख सकते हो। नाउ लुक एट द पिक्चर एंड बिल्ड द टेबल। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक पिक्चर है, देख रहे हैं, यहाँ पर घर बन रहा है, कितने लोग वर्क कर रहे हैं, उन्होंने क्वेश्चंस किए हैं। व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज बीइंग डन बाय डिफरेंट पीपल हियर, ओके। व्हाट टूल्स आर दे शोन यूजिंग इन द पिक्चर, राइट them in the given table. अब आप देखते हैं मसान है, एक लेबर है, इतने सारे लेबर है, कोई पत्थर तोड़ रहा है, कोई सीमेंट बना रहा है, कोई अपना सीमेंट ले जा रहा है, ठीक है। जो इलेक्ट्रीशियन है वो लाइट का वर्क कर रहा है, और जो प्लम्बर है वो टैप फिटिंग और पाइप फिटिंग कर रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि उनका वर्क क्या है, पहले तो आप उनके नेम लिखेंगे, फिर उस वर्क का नेम लिखेंगे, दूसरा टूल्स वो लोग क्या यूज करते हैं, ठीक है। तो आप टूल्स लिखेंगे, व्हाट इज द पर्सन कॉल्ड, उस व्यक्ति को हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, ठीक है। ये हम आपको करवाएंगे, लेकिन पहले आप लोग इसको आंसर करिए, क्योंकि पहले जब आप लोग आंसर करेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि हमको कितनी नॉलेज है, ठीक है। आप लोग जब खुद आंसर करेंगे, इसलिए हमेशा हम रुक जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस पहले हम आप लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं,
दिस इज अप टू यू, ओके आपके अकॉर्डिंग आप आंसर दीजिए, ठीक है। अब हम तो आंसर आपको लिखवा रहे हैं, अभी क्वेश्चन क्या आया कि आप किस जब आप बड़े होंगे तो किस तरह के घर में रहना पसंद करेंगे, तो हम अपना आंसर दे रहे हैं, लेकिन आपको बड़ा होना है, आपको अपनी सोच रखनी है, आपको अपनी इमेजिनरी रखनी है, ठीक है। दिस इज योर इमेज कि आप कहाँ रहोगे, तो पहले आप अपना आंसर दो, ठीक है, फिर हम उससे मिलता जुलता आंसर आप लोगों को देंगे, ठीक है। ये पहले इसलिए हम आप लोगों को टाइम देते हैं, पहले आप लोग आंसर करिए, नहीं लिखते हैं तो ओरली आंसर बताइए, आप ओरल में बताइए मैम मेरा आंसर ये है, ठीक है। डू यू नो पीपल हु डू दीस टाइप ऑफ वर्क, टॉक टू देम। यहाँ पर आपको एक डिस्कशन करने के लिए भेजा है, लेकिन ये आपको करना नहीं है कि आप उन लोगों से जाकर मिलिए, उनसे बात करिए, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। दिस इज यू विल नॉट डू दिस, ओके आप नहीं करेंगे। और ये आंसर व्हाट इट बीइंग बिल्ट देयर, आप ये देख सकते हो कि आपके घर के आसपास कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है क्या, तो आप अपना एक आंसर माइंड में रख सकते हो कि यहाँ पे किस तरह का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कितने लोग काम कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो आप एक अपना आंसरिंग दे सकते हैं, लेकिन आपको कहीं जाना नहीं है, किसी से कोई बात करनी नहीं है, ठीक है। ये ग्रुप डिस्कशन के लिए क्वेश्चन था, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इसी तरह से, तो अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया और ठीक है।